वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज, अभी की सिचुएशन तो आप सभी को पता है कैसी है, और इससे पहले कुछ दिन पहले, मतलब 3-4 महीने पहले की सिचुएशन भी आपको सभी को पता थी कि कैसी हो गई थी। मतलब सभी की इनकम स्टॉप हो गई थी। ऐसी सिचुएशन को कभी भी हमें फेस करना पड़ सकता है, इसीलिए हम लोग अगर ऐसी सिचुएशन को फेस करने के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहे तो अच्छा होगा ना। इसीलिए मैं आज आपके साथ सूरत के अजमेरा फैशन के बारे में शेयर करना चाहती हूँ, जहाँ से आप होलसेल रेट में कुछ भी मंगा सकते हो। इनके पास हर चीजों की बहुत सारी वेराइटीज है, जैसे कि साड़िया, कुर्तीज, लहंगे, नाइटीज, सब चीजों की बहुत सारी वेराइटीज है। आप यहाँ से घर बैठे मंगा सकते हो और घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। तो जो भी मुझे देख रहा है, जैसे कि जेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हाउसवाइफ मुझे देख रही है या वर्किंग वुमन मुझे देख रही है, तो वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है और एक्स्ट्रा इनकम कमा सकती है। तो इसके लिए आपको आगे का वीडियो देखना पड़ेगा। आगे आप देख लीजिए इनके पास कैसा कलेक्शन है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इनकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दी है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और आप इनसे कांटेक्ट करके घर बैठे ये सारी चीजें मंगा सकते हो। तो चलिए आगे का वीडियो देख लीजिए। ये प्लेन पीस है, कॉटन का डाइड करवाते हैं हम लोग इसको सिंगल कलर में। जैसे अलग अलग कलर्स आएंगे वैसे इसके अंदर। ये मैं एक साड़ी दिखा रहा हूँ, वो सिंगल कलर की है। ये प्रिंटेड प्रिंट नहीं है, ये पूरा पूरा वर्क में वर्क किया हुआ है। ये देखिए, ये बीच में हमने खाली नेगेटिव करवा दिया है, ठीक है, इसको प्लेन छोड़ा है। तो ये देखिए, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो जाती है। ये पूरा सिल्क की पल्लू है, देख सकते हैं आप जी। और फिर आगे बॉडी के अंदर पूरा वर्क किया हुआ है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता आया हूँ, खासकर महिलाओं से एक वुमन एम्पावरमेंट के तहत मैं सरकार का समर्थन करते हुए, हमारी जो सरकार है जिन्होंने वुमन एम्पावरमेंट को काफ़ी बढ़ावा दिया है, उसी को हम लोग भी समर्थन करते हुए, एक लेडीज जो घर पे बैठी हुई हैं, जो सिर्फ हाउसवाइफ है, बैठी हुई तो नहीं बोलूँगा, वो जो काम करती हैं वो बहुत बड़ा काम है। उसके लिए अगर छोटा काम बोलना गलत हो जाएगा, बहुत बड़ा काम है जो वो करती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है, उस टाइम में कुछ ना कुछ उनको ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम करें जिसमें भी उनकी रुचि हो, जिसमें भी उनको इंटरेस्ट आता हो, वो काम वो करेंगे तो वो बिजनेस बहुत अच्छे से चलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, मैं हमेशा कहता आया हूं, खासकर महिलाओं से एक वुमन एम्पावरमेंट के तहत मैं सरकार का समर्थन करते हुए, हमारी जो सरकार है जिन्होंने वुमन एम्पावरमेंट को काफ़ी बढ़ावा दिया है, उसी को हम लोग भी समर्थन करते हुए, एक लेडीज जो घर पे बैठी हुई हैं, जो सिर्फ हाउसवाइफ है, बैठी हुई तो नहीं बोलूँगा, वो जो काम करती हैं वो बहुत बड़ा काम है। उसके लिए अगर छोटा काम बोलना गलत हो जाएगा, बहुत बड़ा काम है जो वो करती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है, उस टाइम में कुछ ना कुछ उनको ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम करें जिसमें भी उनकी रुचि हो, जिसमें भी उनको इंटरेस्ट आता हो, वो काम वो करेंगे तो वो बिजनेस बहुत अच्छे से चलने वाला है। और अगर सोने पे सुहागा हो जाता है, अगर वही काम जो उस प्रोडक्ट आप कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप खुद यूज़ करते हैं, तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती है। दोस्तों, आज जो मैं प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ, वो कॉटन साड़ी, सूती साड़ी का आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जो स्पेशली बहुत अच्छी डिमांड रहती है, प्रोडक्शन बहुत शॉर्ट रहता है, क्योंकि ये टेबल के ऊपर छपता है, ये मशीन से कम प्रिंट होता है, टेबल से ज़्यादा प्रिंट होता है, तो प्रोडक्शन बहुत शॉर्ट रहता है, हमेशा इसकी डिमांड बनी रहती है। तो इसी का कुछ कलेक्शन मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो बात मैं आप तक अपनी पहुँचाने वाला हूँ, जो रेंज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उससे पूरी चीज़ आप तक पहुँचा पाऊँ, ऐसा मेरा पूरा कोशिश रहेगी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको प्रोडक्ट
नज़र करवाता हूँ। कॉटन साड़ी की रेंज हमारे यहाँ 130 रुपीज से स्टार्ट होती है। प्योर सूती साड़ी की जो बात करें, प्योर सूती, सूती साड़ी ठीक है, जिसको सूती साड़ी बोलते हैं, कॉटन भी बोलते हैं जी, सिंथेटिक कॉटन भी आती है, पर मैं अभी जो बात कर रहा हूँ प्योर सूती साड़ी की बात कर रहा हूँ जी। और लगभग 400-450 रुपए तक की रेंज वर्क के साथ मिल जाएगी। ठीक है जी, तो वैरायटी दिखाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखेंगे बिल्कुल, बिल्कुल, जो पहली वैरायटी आएगी, और ये वीडियो में पहले बता दो दोस्तों, उन लोगों के लिए जो अपना काम खोलना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, उन लोगों के लिए है, रिटेलर्स के लिए है, स्पेशली रिटेलर्स के लिए जी। तो ये देख सकते हैं सर आप जी, बहुत ही सुंदर पीस है ये, पल्लू दिखाया मैंने आपको, और अभी मैं आपको इसकी बॉडी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये है इसकी बॉडी दोस्तों, प्योर सूती है सर, ये प्योर सूती साड़ी है सर, विद ब्लाउज है, 100% गारंटेड है, कहीं कलर नहीं जाएगा, कोई श्रिंकेज इसके अंदर आने वाला नहीं है। साड़ी अगर 5.5 मीटर की है तो 5.5 मीटर की रहने वाली है, 6.5 पीस की है तो 6 पीस की ही रहने वाली है। ठीक है, डिज़ाइन बहुत है, कलेक्शन बहुत है, इसमें एरिया थोड़ा डिपेंड करता है कि कौन से एरिया का कलेक्शन आपने देखना चाहते हैं। जैसे उड़ीसा की अगर बात करें, उड़ीसा और बंगाल में थोड़ा सिमिलर टेस्ट चलता है जी, और झारखंड में थोड़ा अलग टेस्ट चलता है, बिल्कुल साउथ में तमिलनाडु और वहाँ पे अलग टेस्ट चलता है जी। ये देख सकते हैं नेक्स्ट साड़ी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको जी। ये पल्लू है इसका जी। सब प्रिंटेड आएगा सर, सब प्रिंटेड, प्रिंटेड पूरा उन्हीं वर्क के साथ भी है, कलेक्शन में दिखाऊंगा अभी आपको, मतलब अभी जो दिखा रहे हैं पूरा ये प्रिंटेड प्रिंटेड साड़ी आएगी। ये देख सकते हैं आप, ये पल्लू है सर, और ये विविंग है पूरा, ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं सर, ये विविंग है, विविंग है, जो बॉक्सिंग बॉक्स तो प्रिंटेड है सर, नीचे जो पट्टियां देख रहे हैं ये विविंग है, ये आप देख सकते हैं। और ये स्कर्ट हो गया सर साड़ी का, ठीक है, ये कुछ इस तरीके की साड़ी है, ये भी विथ ब्लाउज आती हैं, इसके अंदर कलेक्शन अलग अलग रहता है। डिज़ाइनों की बात करूँ तो बहुत सारी डिज़ाइने हैं, जैसा कि मैंने बताया कि एरिया इफेक्ट करता है ये सब साड़ी के ऊपर। ये जो डिज़ाइन मैंने आपको दिखाई है वो कुछ इस तरीके की आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट जो पीस दिखा रहा हूँ दोस्तों जी, इसमें भी ये जो वीविंग देख रहे हैं ये चेक्स पूरा बना हुआ है जी। ये साड़ी कुछ इस तरीके की है, ये पल्लू हो गया है, ये पल्लू हो गया है, और ये बॉडी है इसकी जी। और सर एक चीज जानना चाहूंगा मैं आपसे जी, जी बताइए, तो ये कॉटन साड़ी का सर ये सीजनेबल काम है या ये 12 महीने? ठंड में थोड़ी कम चलती है, बाकी गर्मी में तो 100% यही यूज होती है सर। कुछ एरिया ऐसे हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कॉटन साड़ियों की डिमांड बहुत जबरदस्त आती है सर, जैसा कि मैंने बताया तमिलनाडु है, आंध्रा है, और उड़ीसा है, बंगाल है, बंगाल तो स्पेशल कॉटन के लिए बहुत ही फेमस है। ये देख सकते हैं ये जो साड़ी मैंने आपको दिखाई है, उसका लुक कुछ इस तरीके का नजर आने वाला है। ठीक है जी, मतलब जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अगर वो बंगाल से हो या उड़ीसा से, इस टाइप से, इस जगह से हो, उनके लिए सर बहुत ही अच्छा बिजनेस रहेगा ये। इसमें कितना मार्जिन मिल जाता है अगर कोई सिर्फ कॉटन साड़ी का बिजनेस करना चाहे? कॉटन साड़ी का बिजनेस, सिर्फ अगर कॉटन साड़ी का बिजनेस करना है तो एकदम रिजनेबल मार्जिन के साथ उसको करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर एक लेडीज घर से काम कर रही है तो 25-30% मार्जिन पे आराम से काम कर सकती है जी। क्योंकि जिस रेट में वो वहाँ बेच रही है जी, जी, जी। उस रेट में एक रिटेलर को वहाँ खरीदना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज आपको खास ख्याल रखिए कि आप डायरेक्ट एक मैन्युफैक्चरर से कपड़ा ले रहे हैं जी। तो आप आराम से 25-30% मार्जिन इसमें ले सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर पीस है ये, आप जी, बहुत ही प्यारा पीस है, यूनिक पीस है जी। देख सकते हैं सिल्की पूरी बॉडी है इसकी, और साड़ी अगर मैं आपको दिखाऊं, प्रिंटेड है प्लस वीविंग है, ठीक है, मैंने आपको बताया जी। ये देखिए, मतलब तो जो भी बिजनेस करना चाहता है अगर वो कॉटन वाली साड़ी, ये सबसे कॉटन की साड़ी हाँ, अगर रखता है तो वो और अच्छा इसके अंदर बिजनेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर। देखिए कलेक्शन सभी बिकता है सर जी, थोड़ा एरिया और थोड़ा टेस्ट का फर्क होता है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। वैसे हमारे यहाँ से पूरी तरीके से आपको गाइड किया जाएगा
कि आपके एरिया के अंदर ये साड़ी बिकती है कि नहीं बिकती है। छत्तीसगढ़ एरिया में कॉटन कम चलता है थोड़ा जी। और अगर बात करने जाएं यूपी में भी कॉटन थोड़ा कम चलता जी, है जी। लेकिन फिर भी बिकता है। आजकल रिच जो लेडीज होती हैं वो कॉटन डिमांड करती है। और एक्चुअली सर कॉटन ऐसा फैब्रिक है जो स्किन पे आप यूज करते हैं तो सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट, और एक बार जो कॉटन यूज कर लेती है लेडीज वो फिर कॉटन के अलावा दूसरा कुछ पहन नहीं सकती है। ये देखिए ये इसकी बॉडी है, पूरा सिल्की है, ये पूरी बॉडी इसकी सिल्की दी हुई है। ठीक है तो दोस्तों इसी टाइप का ये कलेक्शन आपको मिलने वाला है और कलेक्शन भरपूर है, डिजाइनिंग बहुत है। सर एक चीज नोटिस करने वाली है जी कि आपके पास सर कॉटन की अगर आप वैरायटी स्पेशल दिखा रहे हैं तो काफी वैरायटीज, काफी डिजाइन आपके पास अवेलेबल होंगे। सर कॉटन कॉटन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आपको लगभग एट ए टाइम मेरे यहाँ से 1000 से ऊपर डिजाइन आपको कॉटन के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, वर्क प्रिंट सभी चीजें मिला के देखिए ये पीस। अरे मतलब सर एक्चुअली जो भी वीडियोस बनती हैं लोग अपलोड करते हैं वो मिक्स की करते हैं तो स्पेशल कोई नहीं बनवाता। मतलब अगर एकदम अच्छी वैरायटी जिसके पास हो या अच्छी कलेक्शन जिसके पास हो वही नजर करवा सकता है इस टाइप से। अगर आप देखिए वीडियो में देखिए सब चीजें दिखा पाना पॉसिबल नहीं होता है जी। वीडियो में तो मैं कुछ पीसेस लाके दिखाता हूँ जिससे कि मैं अपनी बात को अपने व्यूअर्स तक, आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सकूँ। अगर आपको इसके अलावा पूरा कलेक्शन देखना है तो नंबर आपको दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या हाई लिख के भेज दीजिए, हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी। अगर आप को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, आप तमिल हैं, आप तेलुगु हैं या आप मलयालम हैं तो हमारे यहाँ सभी लैंग्वेज के बंदे हैं, वो आपसे उसी लैंग्वेज में बात करेंगे और आपको उसी तरीके से समझाएंगे। सही है सर, बहुत प्लस टेस्ट का भी आपको आइडिया देंगे कि आपके एरिया के अंदर कौन सा टेस्ट बिकने वाला है। फुल सपोर्टिंग जी। ये देख सकते हैं ये पल्लू है इस साड़ी का जो मैंने आपको अभी फोटो दिखाया था, और ये इस साड़ी की बॉडी है आप देख सकते हैं, ये भी पूरी सिल्की है, थोड़ा सा इसको डल कलर में दिया हुआ है। इसमें अगर आप यूनिफॉर्म कलेक्शन की बात करें तो यूनिफॉर्म साड़ियाँ भी बहुत आती हैं जो कि स्पेशल, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बोल सकते हैं या आंगनवाड़ी वगैरह के लिए भी बोल सकते हैं, जहाँ पे ये सब साड़ियाँ सिमिलर डिज़ाइन की, एक ही डिज़ाइन की 100-150 साड़ियाँ बनवाते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ वर्क के ऊपर। ये एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हैं, ये प्लेन पीस है, कॉटन का डाइड करवाते हैं हम लोग इसको सिंगल कलर में, जैसे अलग अलग कलर्स आएंगे वैसे इसके अंदर। ये मैं एक साड़ी दिखा रहा हूँ वो सिंगल कलर की है, ये प्रिंट नहीं है, ये पूरा वर्क में वर्क किया हुआ है। ये देखिए ये मैं वर्क की क्वालिटी आपको थोड़ा पास से जरूर दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा सर, मैं भी जी बिल्कुल। ये देखिए ये पूरा वर्क है, ये पल्लू है इसका, बनारसी लुक का बॉर्डर दे रखा है दोस्तों पल्लू में। और ये अगर मैं दिखाऊं इधर, ये जरी है देखिए जी, ये स्कर्ट आ जाएगा फिर आगे। अरे ये जरी प्लस में थ्रेड धागे का काम, धागे का पूरा टोन टू टोन वर्क है, सिंगल जरी दी हुई है, बॉर्डर भी टोन टू टोन लगाया हुआ है, फिनिशिंग आप देख सकते हैं। ठीक है तो ये वर्क में भी आपको डिजाइने बहुत और भरपूर मिलेंगी, कलेक्शन फुल मिलेगा, वर्क की डिजाइने अलग मिलेंगी, कलर्स वगैरह आपको अलग मिलने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको ये जो साड़ी है वो कुछ इस तरीके की नजर आने वाली है, वर्क वाली साड़ी। सर इसमें सेट आता है कलर का, वर्क में अगर देखेंगे तो वर्क में आपको कलर मिलते हैं अलग अलग कलर, प्रिंटेड में अगर आप देखें तो प्रिंटेड में आपको कैटलॉग मिलता है, अलग डिजाइन रहेगी अलग कलर रहेगा जी बिल्कुल। ये देखिए ये भी बहुत प्यारी साड़ी है, ये प्रिंटेड प्लस वर्क का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये ऐसी साड़ी है जिसको हम प्रिंट करवाते हैं और बीच में जगह छुड़वा देते हैं जी। वो जो जगह खाली रहती है, पैनल खाली रहता है, उस पैनल के ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं। मैं आपको हाँ जी हाँ जी, पल्लू भी और बॉडी भी प्रिंटेड रहेगी, ये बीच में हमने खाली नेगेटिव करवा दिया है, इसको प्लेन छोड़ा है, तो ये देखिए उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो जाती है। ये पूरा सिल्क की पल्लू है देख सकते हैं आप जी। और फिर आगे बॉडी के अंदर पूरा वर्क किया हुआ है, बीच के पोर्शन में जो फ्लावर्स हैं ये प्रिंटेड नहीं है, ये आप देखेंगे तो वर्क किया हुआ है। और लेकिन सर अगर मैं देखूं दोनों साइड प्रिंटिंग है
जी मतलब फिनिशिंग ऐसी लग रही है दूर से देखने में कि प्रिंटेड ही होगा पूरा। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, जो कलर हमने उठाए हैं, जो धागों के कलर्स लिए हैं, वो साड़ी में से ही निकाले हैं सर। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर साड़ी के अंदर है और ये रेड कलर साड़ी के अंदर है, तो उसी से ये ऐसा फील होता है, मैच हो गया। जी मैच हो गया। ऐसा नहीं कि कुछ इसमें बेकार सा लगेगा, डिफरेंट नहीं, नहीं मैचिंग, मैचिंग सबसे बड़ी काम करती है सर। अब मैं किसी भी कलर का अगर यहाँ धागा मार दूंगा सर पहले ब्लू कलर का, तो वो सही नहीं लगेगा। प्लस जो मैंने धागों के बारे में हमेशा बताता हूँ, हम लोग विस्कोस धागा यूज करते हैं, जर्मन और पॉलिस्टर बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, उसमें डल दिखता है कलर साड़ी का। जी और वैरायटी जैसे कि सर ने बताया 1000 वैरायटी आपको अवेलेबल करा देंगे। अब ये देखिए ये पेज वर्क है, कॉटन में ही ये पेज किया हुआ है पूरा। सर ये जो कॉटन्स भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट होंगी सभी तरीके की वैरायटीज आपको अलग अलग रेट वाइज जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्वालिटी बढ़ती जाएगी। ये देखिए दोस्तों दो कपड़ों को यूज करके ज्वाइंट करके ये बनाया गया है, साड़ी वेस्टेज नहीं जाए इसका खास ख्याल रखा जाता है। जो पीले कलर का ये पीच एक काट के लगाया गया है इसके अंदर पिंक कलर की साड़ी में, वैसे ही जस्ट ये जो इसका वेस्टेज निकला है वो पीले कलर की साड़ी में यूज कर दिया जाता है, जिससे कि कॉस्टिंग कमांड में रहे और रिजनेबल रेट में आप कपड़े को बेच सकें। ये देख सकते हैं ये पूरे में वर्क किया हुआ है। और ये कुछ डिफरेंट टाइप का कॉटन है सर, इस वाले कॉटन का क्या नाम है? ये इसको बोलते हैं ये नेट बोलते हैं, नेट कॉटन। जी ठीक है, मतलब गर्लिश पैटर्न भी तैयार कर हो गए एक तरीके से, कोटा चेक्स भी बोला जाता है इसको। जी देखिए इसके बाद मैं साड़ी आपको दिखाऊं, कुछ बटिक प्रिंट की साड़ियां हैं ये स्पेशल, देखिए ठीक है ये देख सकते हैं, ज्यादा समय में नहीं लूंगा। ये पल्लू है आप देख सकते हैं, ये पूरी बॉडी है, ये जो देख रहे हैं ये बॉडी है और ये ब्लाउज है इसका, आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, जो ये देखिए बड़ा डिसेंट सा प्रिंट, बहुत ही प्यारा प्रिंट है। देखिए इसके अंदर खास बात है, इसमें वीविंग बॉर्डर दिया है हमने रेशम के धागे, आप देख सकते हैं ये बॉर्डर, ये वीविंग बॉर्डर है पूरा जो आप देख रहे हैं, ये साइड में ये पूरा वीविंग किया हुआ है। इसमें भी आपको भरपूर डिजाइने मिलेगी, उसके बाद प्रिंट किया हुआ है ये पूरा का पूरा। बनारसी लुक का बॉर्डर तैयार कर रखा है और ये जॉइंट नहीं है जी, ये वीविंग है, वीविंग है, वही मैं बता रहा था कपड़े के अंदर ही ये वीविंग है जी। कई लोग जॉइंट से बॉर्डर बनाते हैं, जॉइंट से भी बनता है, और ये भी मिलेंगे, सभी मिलेंगे आपको वैरायटी। ये देखिए ये आप देख सकते हैं ये साड़ी है, ये इसका पल्लू है, बहुत सोबर कलर है जी। ये भी सब प्रिंटेड प्रिंटेड साड़ी है, प्रिंटेड में और वर्क में फिनिशिंग ऐसी मिलेगी कि इजीली फर्क नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये जो सूती साड़ियों का कलेक्शन था मैंने आपको दिखाया, डिजाइनें इसमें भरपूर है, कैटलॉग्स वगैरह खूब हैं, 1000 से ज़्यादा डिज़ाइन एनी टाइम आपको हमारे यहाँ इसमें कलेक्शन मिलेगा। एक छत के नीचे सभी तरीके का कलेक्शन अगर किसी रिटेलर को चाहिए तो यहाँ से बढ़िया कहीं नहीं हो सकता है, इतना मेरा चैलेंज है। ठीक है, तो सर अगर किसी को माल खरीदना है, जैसे जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है डेफिनेटली उसे वीडियो अच्छी लगी है, उसे माल खरीदना है, तो आप सर उसे क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? बस डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, कॉल आप कर लीजिए, बाकी पूरी जानकारी हमारे यहाँ से हमारी टीम आपको करेगी। आप एक कॉल करने की खाली देरी है, जरा सा मन भी आपका हो कुछ बिजनेस करने का, कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने का, आप जो कर रहे हैं नौकरी कर रहे हैं, तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, आप वो नौकरी करते हुए अपने घर पे जो लेडीज खाली बैठी हुई हैं, जो सिर्फ हाउसवाइफ बन के बैठी हुई हैं, आपकी मम्मी है, दीदी है, या घर में कोई भी है वाइफ है, तो उनसे आप एक छोटा सा बिजनेस भी करवा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इस बिजनेस को करने के लिए किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, कोई भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, एक लेडीज जो घर पे साग भाजी खरीद सकती है वो ये बिजनेस आराम से कर सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा, स्पेशली हम लोग जो ये मुहिम चला के रखे हैं, एक एक वीडियो बना के आप लोगों तक अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, इस मुहिम का जो मकसद है वो यही है कि एक लेडीज जो सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ हैं वो सिर्फ हाउसवाइफ बन के ना रहें, उनका भी हमारे देश की GDP के अंदर कुछ ना कुछ योगदान
कहीं ना कहीं उनका भी रहना चाहिए। तो अगर लेडीज कुछ नहीं कर रही हैं, कोई भी सिर्फ हाउसवाइफ हैं, तो उनको कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहिए। और कोई भी बिजनेस करने की बजाय मैं कहता हूँ जो प्रोडक्ट वो यूज़ करती हैं अगर उसी का बिजनेस करने का मौका उनको मिलता है, एक मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कपड़ा उठाने का मौका उनको मिलता है और उसी रेट में कपड़ा आपको मिलता है जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को मिलता है, तो इससे बढ़िया मौका किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने में इससे बढ़िया मौका कोई नहीं हो सकता है। तो दोस्तों देरी किस बात की है, फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और जानकारी लीजिए, पूरे इस बिजनेस के बारे में हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी। थैंक यू वेरी मच।